नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि NSP के स्कॉलरशिप पोर्टल पर जब से OTR का फंक्शन आया है उसके बाद से लेकर जो है यहाँ पर स्टेटस दिखना जो है स्टूडेंट्स का बंद हो गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटस दिखना जो है बिल्कुल शुरू हो गया है। तो किस IT पासवर्ड से ये चीज़ दिख रहा है, और साथ में हम स्टेटस चेक करके भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक पैसा नहीं आया है किसी भी स्कीम में, तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कब तक जो है उसका मेरिट लिस्ट और कब तक जो है आप लोगों के पैसा आने का जो है संभावना है, तो ये भी बताएंगे। और साथ में एक और चीज़ बताएंगे जो बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि क्या हमको OTR करने के बाद ही पेमेंट आएगा, और OTR हमने कर लिया है तो क्या पेमेंट आएगा ही आएगा, ये श्योर है? तो इस चीज़ को भी हम बताएंगे, और साथ में बताएंगे कुछ लोग को जो है लॉगिन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं NSP के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। मैं यहाँ पर वेबसाइट से आया हूँ, देख सकते हैं आप ऐप से भी आ सकते हैं, लेकिन ऐप में क्या है कि लॉगिन करने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर हम OTR में आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस लॉगिन पेज से है जो आपको जो है लॉगिन करना है। अगर किसी स्टूडेंट को बार बार जो है ऑथेंटिकेशन फेल्ड वाला प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन क्रेडेंशियल चेंज करने के लिए जो बता रहा है चेक करने के लिए, तो मैं बता दूं कि आपको जो है यहाँ पर वेबसाइट से लॉगिन करना है, और साथ में अगर आपका जो है नोट मैप भी बता रहा है तो यहाँ से आना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई कीजिएगा, चेक कीजिएगा, तो वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कुछ लोगों का जिनका अभी तक OTR नहीं आया है अपने मोबाइल पर या फिर रेफरेंस ID, तो यहां से आप फॉरगेट OTR नंबर से यहां पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के पता कर सकते हैं। फिर भी नहीं दिखता है तो आप लोग को जो है वेट करना है, ऑटोमेटिक आपको जो है मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं स्टेटस पुराने 2023 से 24 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका स्टेटस कि पैसा जो है कब आएगा, और इसके लिए आपका जो है क्या प्रोसेस हो चुका है नहीं हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पहले के जैसा जो है यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है लॉगिन टू योर अकाउंट। ये जो है एप्लीकेशन ID सेम है जैसा कि आपके पास पहले से था, वही आपको जो है यहाँ पर करना है, ना कि यहाँ पर जो है आपको OTR नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर OTR नंबर आपको नहीं डालना है, पहले जो आपका एप्लीकेशन ID और पासवर्ड था वही यहाँ पर काम कर रहा है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक ईयर जो है आपको ये सेलेक्ट कर लेना है किस एकेडमिक ईयर के लिए आप चेक करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है 2023-24 वाला ही चेक कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो है 22 से 23 वाला करेंगे, जैसे कि कुछ माइनॉरिटी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर है, लेकिन अधिकतर जो है 23 से 24 वाले हैं। तो हम 23 से 24 वाले का करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्रेश किए थे उनका भी देख सकते हैं, रिन्यूअल किए थे उनका भी देख सकते हैं। चलिए एक फ्रेश वाले का हम दिखा रहे हैं आपको, तो चलिए एक फ्रेश वाले स्टूडेंट का हम दिखाते हैं, और यहाँ पर उनका जो पुराना एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पर डाल लेते हैं और पासवर्ड भी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का जो है एप्लीकेशन ID पुराना वाला और पुराना वाला ही पासवर्ड और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा था उसको सेम यहाँ पर डाल लिए हैं, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप अपना एप्लीकेशन ID पुराना वाला भूल गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके पता कर सकते हैं, और पासवर्ड भी यहाँ पर क्लिक करके पता कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं तो यहाँ पर लॉगिन कर दे रहा हूँ, ठीक है? लॉगिन जैसे ही करेंगे तो पुराना वाला ये जो है बिल्कुल सिस्टम जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो देख सकते हैं पुराना वाला जैसे आपको डैशबोर्ड मिल रहा था वही डैशबोर्ड जो है वैसा ही प्रकार का आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बता रहा है कि वेरिफिकेशन लेवल आपका जो है कहाँ तक है। तो देख सकते हैं करेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, अपना एप्लीकेशन ID देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय, यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो है बोर्ड स्टेट या फिर नोडल ऑफिसर से हो चुका है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल, तो देख सकते हैं यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड, यहाँ पर वो भी हो गया है। एप्लीकेंट का आधार वेरीफाइड है, येस है, ठीक है। उसके बाद फाउंड डुप्लीकेट बाई सिस्टम, तो नो, यहाँ पर नो ही रहना चाहिए कि आप डुप्लीकेट नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर लिखा है नो, अभी जो है इसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है। और अंतिम जो चरण होता है यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम NSP टू PFMS, यानी अगर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है मेरिट लिस्ट में उसके बाद जो है यहाँ पर NSP जो है PFMS को पैसा दे देती है भेजने को, तो अगर वो चीज़ भी हो गया रहेगा तो यहाँ पर जो है येस लिख देगा। लेकिन देख सकते हैं इनका मेरिट लिस्ट ही अभी नहीं बना है। और उसके बाद देख सकते हैं वेरिफिकेशन आपका किस लेवल पर हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पर दो दो बार जो है वेरीफाई हुआ है स्टेट लेवल पर, देख सकते हैं यहाँ पर सेम जो है वेरीफाई हुआ है। तो देख सकते हैं किसी किसी स्टूडेंट का दो बार भी वेरीफाई हो रहा है, किसी का 3 बार भी हो रहा है, लेकिन किसी किसी का 1 बार में ही हो करके आ जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो है बहुत सारा ऑप्शन यहीं पर दे देता था आपको ई KYC करने का, बाकी जो भी है पुराना डिटेल्स देखने का, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक डैशबोर्ड है और एक पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एक लॉगआउट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगला जो भी फंक्शन होगा वो जो है OTR के वेबसाइट से होगा, ठीक है, चेक करने के लिए है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट कब तक आने की संभावना है। तो देखिए, अगर आपका मेरिट लिस्ट बन चुका है तब तो आपका जो है एक महीना के अंदर ही पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सब कुछ सही है, अकाउंट में आपका जो है आधार जुड़ा है, तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बना है तो अभी जो है आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन आप लोगों का पेमेंट जो है बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक है। चूंकि इन लोगों को जो है नया एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू करना है NSP को, और जो रिन्यूअल है वो भी शुरू करना है। तो देखिए, रिन्यूअल तभी ना होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, तभी तो रिन्यूअल में होगा। यानी एक बार आपको पेमेंट मिलता है तभी अगला जो है रिन्यूअल आप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरिट में नहीं आए और आप जो है रिन्यूअल भी बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक बार पेमेंट मिलता है तभी दूसरा बार मिलता है। इसलिए जो है रिन्यूअल वाले स्टूडेंट हो या फिर फ्रेश वाले स्टूडेंट है, आप लोग को जो है बहुत जल्द ही पैसा मिलने वाला है। एक चीज़ मैं बता दूं कि रिन्यूअल वाले स्टूडेंट को है जो है NMMS हो गया, CSS हो गया, इसमें जो है बहुत जल्द ही पेमेंट आ गया इस बार। हालांकि जो है जो न्यू वाले स्टूडेंट है अभी तक जो है बहुत सारे स्कीम में जो है पैसा नहीं आया है, क्योंकि अभी तक मेरिट लिस्ट ही नहीं बना है। ये लोग जो है OTR पर काम कर रहे थे, अब जो है पैसा भेजने पर काम होगा, तो बहुत जल्द ही आप लोगों का पेमेंट आने वाला है। मैंने बता ही दिया कि 1 से 1.5 महीना में सभी का पेमेंट जो है लगभग आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अगर OTR नहीं करेंगे, OTR फेस ऑथेंटिकेशन या फिर OTR रजिस्ट्रेशन, तो मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है 24 से 25 वाले, उनको तो OTR करना ही करना है, चूँकि ये रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो है फेस ऑथेंटिकेशन करना है या नहीं करना है, तो देखिए सभी लोग को फेस ऑथेंटिकेशन करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ। जिनका भी लास्ट साल है ये वाला, कि ये लास्ट साल है, मान लीजिए कि लास्ट साल जा रहा है, उनको जो है फर्दर पेमेंट नहीं मिलेगा, ये लास्ट ईयर है, तो वो लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनको भी आगे पेमेंट लेना है, रिन्यूअल करना है, वो सभी लोग जो है वो अपना जो है OTR जो है कर लेंगे और फेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, OTR नंबर जनरेट करके पासवर्ड भी अपना चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, NSP की ओर से ये नहीं बताया गया कि आपको जो है OTR करने से पेमेंट आएगा या नहीं, ये चीज़ तो कहीं भी बताया ही नहीं गया, लेकिन आपको जो है OTR अपना कर ही लेना है, ये आप समझ के रखिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी बात को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूर्ण प्रयास करते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।